नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज 17 जून 2024 सोमवार का दिन है। आज चित्रा नक्षत्र परिग योग तथा वणिजकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन तुला राशि से रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहुकाल तथा यम घंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:27 से प्रातः 7:10 तक रहेगा। आज दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक में घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 9:50 तक, फिर दोपहर 2:30 से शाम 4:45 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8:30 से प्रातः 9:50 तक, फिर दोपहर 2:28 से शाम 4:43 तक रहेगा। आज निर्जला एकादशी का व्रत है तथा मुस्लिम समुदाय का ईद उल जुहा पर्व भी है। बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, शुक्र व बुध ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विचरण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य शानदार रहेगा, मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर अपने कार्य करने के तरीके में सुधार लाने के कारण ज़्यादा काम को कर पाएंगे। मंगल ग्रह के अपनी राशि में स्थित होने के कारण लग्जरी से भरपूर कोई मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। व्यापारिक मीटिंग में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। मन में उत्साह को बढ़ाने वाले विचार आएंगे। सेहत पूरी तरह साथ देगी। पश्चिम दिशा के समुद्र तटीय शहर में किसी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मेडिकल व सैन्य बलों में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे छात्रों को लिखित परीक्षा में सफलता मिल सकती है। करियर को बढ़ाने के कई अवसर आ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहेगा। सेहत व फिटनेस उत्तम रहेगी। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। ऑफिस में आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर सभी को पसंद आएगी। सेल्स या मार्केटिंग टीम में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक लोगों को सरकार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपका उत्साह व ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करेगी। सामाजिक उत्थान का कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। छोटी बहन की सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी में जॉब लग सकती है। विद्यार्थियों को फाइन आर्ट, ड्राइंग, फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई करना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खूबसूरत पलों को ला रहा है। आपके व्यक्तित्व में नया आत्मविश्वास झलक सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। परिवार में चली आ रही धन की कमी दूर हो सकती है। आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है। बढ़े हुए रेट के कारण सोने चांदी को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दुकान के लिए बैंक से लोन मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद से भरा रहेगा। राशि में चंद्रमा की उपस्थिति से मन में रोमांटिक व सकारात्मक विचार आएंगे। कॉस्मेटिक से जुड़ी वस्तुओं का ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकते हैं।
व्यापार शुरू करने के लिए किसी धनी व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों को ला रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन करियर में नई प्रगति ला रहा है। बिल्डर्स व प्रॉपर्टी डीलर्स के लंबे समय से रुके हुए फ्लैट या मकान बिक सकते हैं। भवन निर्माण से संबंधित वस्तुएं बनाने वालों को अर्थलाभ की संभावनाएं हैं। लवमेट के साथ रोमांटिक टूर पर जा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से बढ़िया रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। संतानहीन कपल्स को संतान प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों द्वारा एजुकेशन विषय को करियर बनाना शुभ रहेगा। बेटी की शादी तय करने से पहले बेटी की पसंद या नापसंद को सुनना बेहतर रहेगा। वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करने का उपयुक्त समय है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। राशि से चंद्रमा के दशम भाव से भ्रमण के कारण कार्यस्थल पर विशेष परिवर्तन हो सकते हैं। ऑफिस में पेंडिंग चले आ रहे कार्यों को आज समय से पूरा कर लेंगे। कानून तथा न्यायपालिका से संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना विद्यार्थियों के करियर के लिए शुभ रहेगा। प्रभावशाली सामाजिक व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन उज्जवल भविष्य को ला रहा है। चंद्रमा के भाग भाव से भ्रमण के कारण आज आपका भाग्य साथ देगा। फ्लैट या मकान का निर्माण पूरा हो सकता है। पश्चिम दिशा के शहर में आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर हो सकता है। करीबी मित्र के साथ प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के मार्क्स कम आने से उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। आज कर्जा लेने व देने से बचें। नई जॉब की शुरुआत आज ना करें। अब बात करते हैं आज के वास्तु मंत्र की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन, मनुष्य व आवास पर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय किरणों व पंचमहाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मानव जीवन में कैसे लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। बच्चों का स्टडी रूम हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण, उत्तर या पूर्व के बीच के भाग में बनाना शुभ रहता है। उत्तर व पूर्व की दिशाएं हमेशा सुख समृद्धि व ज्ञान की दिशाएं मानी जाती हैं। घर में यदि ऐसा करना संभव ना हो तो उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा, जो कि वायव्य कोण कहलाती है, उसमें भी बच्चों का स्टडी रूम बनाया जा सकता है। बच्चों की सेल्फ तथा वार्डरोब दक्षिण या नैऋत्य दिशा में रखना उचित रहेगा। उत्तर पूर्व तथा ईशान दिशा में बच्चों की स्टडी टेबल रखना शुभ रहेगा। उत्तर तथा पूर्व दिशा में माँ सरस्वती की फोटो लगाना शुभ रहता है। स्टडी टेबल पर ग्लोब रखना शुभ रहता है तथा इससे बच्चे की पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।